हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए कि जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपकी माली हालत कैसी होगी और सामाजिक स्थिति कैसी रहेगी, बच्चों से क्या संबंध रहेंगे, माता पिता की क्या स्थिति रहेगी, उनका हेल्थ वेल्थ कैसा रहेगा, जो नए तरह के कार्य करेंगे उसमें आपको क्या सफलता मिलने वाली है, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको भी बताएंगे कि उपाय क्या करना है, आपको सावधानियां क्या बरतनी है और आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। और आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास कितना सार्थक होगा, ये सब आज हम आपको बताएंगे। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित अगर कोई भी रुचि हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप क्या करें, इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में कि जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जो मकर राशि के जातक हैं, आर्थिक पक्ष आज आपका मजबूत होगा, सामाजिक पक्ष मजबूत होगा, आज आप संगठनात्मक कार्यों में रुचि रखेंगे और आज अपनी लाइफ को एकदम नए तरीके से ऑर्गेनाइज करके, चैनलाइज करके कुछ बड़े रूप पर नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए आज का दिन काफी बेहतरीन होगा। आपके संघर्ष समाप्त होगा, लाभ होने वाली है, उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा, प्रॉपर्टी भूमि से खरीदने से भी लाभ मिलने वाला है। जब कोई नया व्यापार, नया कार्य करने की आपने योजना बना रखी है तो उसमें भी आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। गुरुजनों के सहयोग से कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपकी आर्थिक मदद करेंगे और आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे, जिससे आपका कार्य काफी आगे बढ़ेगा। विदेश गमन का भी योग है, आयात निर्यात की भी स्थिति अच्छी है और संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। हेल्थ वेल्थ को लेकर के आपकी चिंता समाप्त होगी। बच्चों से मन प्रसन्न रहेगा, आप होनहार संततियों के पिता कहलाएंगे। यदि आप प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए, परिवार नियोजन, परिवार वृद्धि के लिए, परिवार के लिए कोई प्लान कर रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, किसी महिला मित्र के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा और कोई पुराना काम जो रुका हुआ है उसकी होने की भी संभावना बन रही है। नए तरह के कार्यों से लाभ मिलेगा और आज आप विदेश के लिए कुछ प्लान करते हैं, विदेश यात्रा के लिए, विदेश से धन के लिए, आयात निर्यात के लिए कई योजना आपकी सफल होगी। इंडस्ट्री या स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, उसके लिए भी आपका समय बढ़िया है। शत्रु परास्त होंगे और यदि कोर्ट कचहरी में कोई भी नया विवाद चल रहा होगा तो उसमें आज आपको विजयश्री मिलेगी। और द्रुत गति की गाड़ी कतई न चलावे और बहुत ज्यादा किसी पर अंधविश्वास करना, अंधभक्ति करना वो खतरनाक हो सकता है, तो उससे बचें और साझेदारी में कोई भी निर्णय कार्य न ले तो अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, साझेदारी में कोई भी कार्य आज नहीं करना है। उपाय क्या करना है, आज आप भगवान शनिदेव की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और शनि देव को आप क्या करें कि सरसों के तेल अर्पित करें, सम्मी के पत्ते से जलाभिषेक करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है सफेद। हरे कृष्ण।